यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं स्टूडियो में। आगे बढ़कर सबसे पहले फीचर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है यहाँ पर सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा, यहाँ पर आना है एकदम नीचे आना है। यहाँ पर एडिशनल सेटिंग आपको दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रहा एसेसिबिलिटी, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर आना है नीचे, यहाँ पर हाई कॉन्ट्रास्ट टेस्ट आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस तरह से अपने टेस्ट को आप हाई कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप यहाँ पर कर लेना। बाकी के बहुत ही बेहतरीन इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना। इसी ओप्पो A53S 5G स्मार्टफोन के इंटरेस्टिंग टॉप 60 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स देखने के लिए। और बस ये एक है, और भी बहुत भरे पड़े हैं फीचर्स, तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रवि करीम, स्वागत है आपका इट्स टेक्निकल में, और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना, और बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दूसरे फीचर की बात करने के लिए वापस हम जाएंगे सेटिंग में, एडिशनल सेटिंग में आएंगे। आने के बाद आपको उसी एसेसिबिलिटी सेटिंग में आना है और नीचे आना है। यहाँ पर रिमोट एनिमेशन है, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये कि आपको बताते हैं, यहाँ पर बैक आ रहे हैं और ओपन करें, एनिमेशन आ रहा है ना, स्लो हो रहा है स्मार्टफोन, इसको हम ऑन करेंगे तो यहाँ पर कितना स्पीड हो जाता है, आपका एनिमेशन कोई भी नहीं आएगा। इस तरह से इसको ऑन ऑफ भी आप यहाँ पर करके यूज कर सकते हैं। यहाँ पर तीसरे फीचर की बात करने के लिए वापस हम जाएंगे सेटिंग में, और आपको एडिशनल सेटिंग में आना है। आपको इस एसेसिबिलिटी इसी सेटिंग में आना है और नीचे आना है। और नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल्स, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। ये क्या आपको बताता हूँ, मान लो कि आपको कॉल पर बात कर रहे हैं और आपको कॉल काटना है, तो वॉल्यूम बटन पर क्लिक कर देना तो आपका कॉल कट हो जाएगा। चौथी फीचर की बात करने के लिए आपको थ्री फिंगर को नीचे लेकर आना है, स्क्रीनशॉट लग जाएगा। और उसके अलावा आपको वॉल्यूम बटन और पावर बटन पर एक साथ इस तरह से प्रेस कर देना तो भी स्क्रीनशॉट लग जाएगा। उसके अलावा आपको यहाँ पर लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है, तो आपको बता देता हूँ यहाँ पर लॉन्ग स्क्रीनशॉट कहाँ से कहाँ तक लेना है। यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा से लेकर हमको चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट अबाउट फोन तक चाहिए, तो यहाँ पर हम इस तरह से कर लेंगे। और फिंगर को नीचे लेकर आएंगे, आने के बाद यहां पर आपको दिखता होगा ये आइकॉन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ब्लैक सा जो आइकॉन दिख रहा है ना आपको, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर और आना है, स्क्रॉल करना है कहां तक चाहिए आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट, इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं अबाउट फोन तक चाहिए ना, तो चलिए यहां पर कर लेता हूं राइट। यहां पर लेने के बाद में ये रहा लॉन्ग स्क्रीनशॉट, आपको राइट पर क्लिक कर देना है, आपका लॉन्ग स्क्रीनशॉट गैलरी में सेव हो जाएगा। यहां पर बात करते हैं अभी पांचवे फीचर की। आपको एक फोन में दो दो एप्लीकेशन यूज करना है, तो एक एप्लीकेशन ओपन करना है, आपको बताया था एक एप्लीकेशन आपको ओपन करना है, तो चलिए मैं कर लेता हूँ यहाँ पर एक ऊपर गूगल, और थ्री फिंगर को भी नीचे लेकर ऊपर लेकर जाना है। ऊपर लेकर जाने के बाद नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा, नीचे यहाँ पर दूसरा कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हैं। इस तरह से दो दो एप्लीकेशन एक ही फोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ से आप इसको छोटा नीचे ऊपर भी कर सकते हैं, ये नीचे वाला छोटा चाहिए ऊपर वाला बड़ा चाहिए, इस तरह से आप कर सकते हैं। और एक बार क्लिक करके इसको नीचे ऊपर भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप यहाँ पर कर लेना। यहाँ पर बात करते हैं छठे फीचर की। तो आप मान लो कि दो एप्लीकेशन के बीच में आप काम कर रहे हैं, एक है मैसेंजर और उसके अलावा दूसरा एक है कोई भी एक क्रोम है, तो यहाँ पर मेनू बटन पर आपको डबल क्लिक करना है तो इस एप्लीकेशन में आएंगे। इस तरह से आप दो क्लिक करके मेनू बटन पर डबल क्लिक करके दो एप्लीकेशन के बीच में ट्रांसफर हो सकते हैं। सातवें फीचर की बात करने के लिए आपको और फीचर बताया था, यहाँ पर मेनू बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप टू डॉट पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोटिंग विंडो है, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके इस तरह से विंडो में एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, ओपन करके यूज कर सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन, तो दूसरा एप्लीकेशन भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर विंडो में दूसरा एक एप्लीकेशन ओपन है, इस तरह से आप कर सकते हैं। आगे बढ़कर बात करते हैं आठवें फीचर की। तो आपको क्या करना है, मेनू बटन पर क्लिक करना है, मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद टू डॉट पर क्लिक करना है, टू डॉट पर क्लिक करने के बाद मिनी विंडो है, ये है मिनी विंडो, एकदम छोटा विंडो है। यहाँ पर छोटे विंडो में यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन है, यहाँ पर दूसरा कोई भी एप्लीकेशन आप यहाँ पर ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटे विंडो में ओपन है, एक बार क्लिक करेंगे तो वो भी बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर नाइन्थ फीचर की बात करने के लिए और बात करते हैं और फीचर की। तो चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मेनू बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है टू डॉट पर। यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक है, यहाँ पर लॉक कर लिया, और उसके बाद आप क्लोज ऑल कर लिया तो जो एप्लीकेशन को आपने लॉक किया था वो यहीं पर रहेगा, क्लोज ऑल नहीं होगा। आप टू डॉट पर क्लिक करके ऐसे इसको अनलॉक भी कर सकते हैं, उसके बाद से क्लोज ऑल करेंगे तो यहाँ पर वो चला भी जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर बात कर रहे हैं दसवें फीचर की। तो हम जाएंगे सेटिंग में, तो चलिए इस तरह सेटिंग हम जो जाएंगे, जाने के बाद आपको आना है नीचे, यहाँ पर एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओटीजी कनेक्शन है, जब भी OTG कनेक्ट करते हैं तो इस सेटिंग में आकर आपको इस सेटिंग को ऑन करना ही पड़ेगा, तभी OTG कनेक्ट हो जाएगी। और OTG रिमूव करने के 10 मिनट के बाद में ये सेटिंग बंद भी होता है, जब भी आप OTG कनेक्ट करते हैं तो इस सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा। यहां पर 11 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में, और नीचे अगर आपको एडिशनल सेटिंग में आना है, यहां पर आप देख सकते हैं और डेट एंड टाइम है, यहां पर 24 आवर्स का आपका टाइम होता है, इसको ऑफ कर लेना है, आपका 12 आवर्स का टाइम हो जाएगा एग्जैक्ट, ठीक जो टाइम आपका होता है इंडियन, जो आपको समझ में आता है। यहां पर बात करते हैं 12 फीचर की, ऑप्शन में जाएंगे सेटिंग में, एडिशनल सेटिंग में आना है, आने के बाद और आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं रिसेंट टैक्स मैनेजर है, ये क्या आपको बताया था,
यहाँ पर आना है डिस्प्ले रैम मेमोरी इंफॉर्मेशन फॉर रिसेंट टास्क ये क्या आपको बताते हैं। यहाँ पर विंडो बटन पर क्लिक करके यहाँ पर रिसेंट टास्क रिमूव करते हैं। यहाँ पर रैम आपका कितना अवेलेबल बचा है अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है, तो उसको लाने के लिए यहाँ पर इस सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा। ये आपका रैम कितना अवेलेबल बचा है यहाँ पर बता देगा। यहाँ पर बात करते हैं 13 फीचर की, तो वापस हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में अगर आपको आना नीचे और यहाँ से हम नीचे आएंगे होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आइकॉन पुल डाउन जेस्टर से इस पर क्लिक करके इसको ऑन करना पड़ेगा। इसको ऑन करने के बाद यहाँ पर आप वन हैंड से फोन यूज करें तो इस तरह से नीचे आप यहाँ पर नीचे से लॉन्ग प्रेस करके आपको बताते हैं। यहाँ पर ऊपर वाला एप्लीकेशन आपको ओपन करना है तो एक हाथ से यूज करें तो हमारी उंगली नहीं जाएगी वहाँ पर ऊपर, तो नीचे से यहाँ से होल्ड करके इस तरह से आप एप्लीकेशन को ओपन करके यूज कर सकते हैं। 14 फीचर की बात करने के लिए वापस हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद और आपके यहाँ पर दिखता होगा होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर होम स्क्रीन मोड है, ये क्या आपको बताता हूँ। यहाँ पर फिलहाल है ड्रावर मोड, इस तरह से ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन हमको यहाँ पर दिख रहे ना, तो इस तरह से ड्रॉ करने के बाद एप्लीकेशन हमको यहाँ पर दिख रहे हैं। उसी सेटिंग में जाकर उसी में दूसरा फीचर लेकर आएंगे, इसी सेटिंग जाना है। यहाँ पर हम करेंगे इसको अभी स्टैंडर्ड मोड, स्टैंडर्ड मोड करेंगे। स्टैंडर्ड मोड करने के बाद आप यहाँ पर अभी देख सकते हैं इस तरह से सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पर होम स्क्रीन पर मिल जाएंगे। यहाँ पर थोड़े हैं इस फोल्डर में, थोड़े हैं यहाँ पर थोड़े हैं यहाँ पर थोड़े हैं, सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद में एप्लीकेशन नहीं आएंगे। जैसा आपको अच्छा लगे, जो सेटिंग आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। मुझे तो वही अच्छा लगता है जो पहले था ड्रावर मोड, उसी लिए मैं वही कर लेता हूँ, उसी में स्विच हो जाता हूँ। आप देख सकते हैं ड्रॉ करने के बाद एप्लीकेशन दिख रहे हैं। 15 फीचर की बात करने के लिए वापस हम क्या करेंगे, जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद और आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर दिखता है थीम। यहाँ पर थीम है, थीम मतलब आप ये थीम अभी फिलहाल अप्लाई है। और भी आपको थीम चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं नेट पैक डालकर। तो चलिए यहाँ पर आते हैं बैक। बैक आने के बाद यहाँ पर 16 फीचर की बात करेंगे। यहाँ वॉलपेपर्स आपको दिखते होंगे, यहाँ पर ये रहे लाइव वॉलपेपर। आप लाइव वॉलपेपर रखना चाहते हैं तो लाइव वॉलपेपर रख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया आपको लाइव वॉलपेपर मिलते हैं। ये क्लाइमेट के हिसाब से चेंज भी हो जाते हैं लाइव वॉलपेपर, ये कलर भी चेंज हो जाते हैं इन वॉलपेपर्स के, ये चेंज भी हो जाता है ब्राइटनेस के हिसाब से क्लाइमेट के हिसाब से, तो आप लाइव वॉलपेपर रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं और स्टैटिक्स वॉलपेपर भी आप रख सकते हैं, ये जो बहुत ही बेहतरीन वॉलपेपर्स आपको मिलते हैं और यहाँ पर रख सकते हैं। लोकल एल्बम्स पर आप क्लिक करके अपने फोटोज गैलरी के फोटो सेलेक्ट करके आप वो भी वॉलपेपर्स यहाँ पर होम स्क्रीन पर और लॉक स्क्रीन पर रख सकते हैं सेट करके। 17 फीचर की बात करने के लिए वापस हम जाएंगे सेटिंग में और उसी सेटिंग पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आइकॉन के स्टाइल्स भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल अभी इस तरह से दिख रहे हैं आपको आइकॉन के स्टाइल्स, और यहाँ पर आप आइकॉन के स्टाइल को इस तरह से बड़े कर सकते हैं, छोटे कर सकते हैं, और यहाँ पर गोल शेप में ला सकते हैं और स्क्वायर शेप में वगैरह वगैरह आप यहां पर कर सकते हैं। कस्टम पर क्लिक करके यहां से आप अपने हिसाब से भी आइकॉन्स को यहां पर बना सकते हैं। तो मैं चलिए हम डिफॉल्ट ही रख लेता हूं, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप कर लेना आइकॉन के स्टाइल को। यहां पर बात करते हैं 18 फीचर की, वापस हम जाएंगे सेटिंग में। और चलिए सेटिंग में आने के बाद आपको यहां पर उसी सेटिंग में आना है। आने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं ऐप लेआउट है, यहाँ पर आप यहाँ पर राउस और कॉलम्स है, यहाँ पर एप्लीकेशन छोटे बड़े बनकर बैठेंगे। इसको आप यहाँ पर ज़्यादा एप्लीकेशन है तो यहाँ पर आप छोटे कर लेना, बड़ा कम है तो बड़े कर लेना, अपने हिसाब से आप यहाँ पर कर लेना। एक स्टेप बैक अगर बात करते हैं 19 फीचर की, यहाँ पर 19 फीचर की बात करने के लिए और भी यहाँ पर आपको मिल जाता है कलर्स। कलर्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये क्या आपको बता देते हैं, यहाँ पर जो हम सेटिंग देखते हैं तो ये भी अलग अलग कलर बता रहे ना सब कुछ। यहाँ पर एक ही कलर आप यहाँ पर रख सकते हैं, कलर पर क्लिक करेंगे, जो कलर आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे अप्लाई करेंगे यहाँ पर सेटिंग पर, वो कलर्स यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप यहाँ पर वो भी कर लेना। बात करते हैं 20 फीचर की, वापस हम जाएंगे सेटिंग में और उसी सेटिंग में आपको आना है। आने के बाद और दो फीचर आपको यहाँ पर बता देता हूँ, फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज है, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर लेना है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉन्ट साइज को यहाँ से भी आप बड़े कर सकते हैं, आपको ठीक से नहीं दिखता है, आपके आँख कमज़ोर हैं तो इस तरह से आप बड़े कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने बड़े हो चुके हैं फॉन्ट्स, कितने भी अच्छे से दिख रहे हैं, और इस तरह से आप कर सकते हैं। और वापस से इसको छोटे बड़े भी यहाँ पर आप कर सकते हैं, तो चलिए मैं इस तरह से कर लेता हूँ छोटे। अगर आपके आँख कमज़ोर हैं, आपको ठीक से नहीं दिखता है, तो यहाँ से आप इस तरह से बड़े कर सकते हैं अपने फॉन्ट्स को। तो चलिए बात करते हैं 21 फीचर की, तो क्या करेंगे वापस से सेटिंग में जाएंगे और आपको उसी सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी ये रहा डिस्प्ले साइज। अगर आपको ये भी इसी के रिगार्डिंग आता है, ये सारे आइकॉन्स ये सब कुछ ये बड़ा हो जाएंगे, ये अप्लाई करेंगे तो इसको ये आइकॉन के साथ में ये जो आइकॉन्स है ना सब कुछ ये बड़े हो जाएंगे। पिछले वाला फीचर बस वो फॉन्ट बड़े देता था, लेकिन ये आइकॉन्स ये बड़े कर देता है। तो चलिए हम इसको डिफॉल्ट ही रख लेता हूं, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से कर लेना। बात करते हैं 22 फीचर की, वापस हम जाएंगे सेटिंग में और उसी सेटिंग में आने के बाद एक और फीचर यहां पर मिल जाता है, नोटिफिकेशन ड्रावर है। नोटिफिकेशन ड्रावर के ये जो आइकॉन्स है ना, ये आइकॉन्स का स्टाइल भी आप यहां पर चेंज कर सकते हैं, ये गोल शेप में लेकर आ सकते हैं वगैरह वगैरह, आपको जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप यहाँ पर कर लेना। ये अगर है गोल हो गए भी इस तरह से कर सकते हैं, और उसके अलावा यहाँ पर
इस तरह से कर लेता हूँ तो ये इस तरह से हो जाते हैं, जैसा आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं वैसे ही ये हो जाते हैं। बात करते हैं 23 फीचर की, वापस हम सेटिंग जाएंगे और आपको आना नीचे, नीचे आना डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर आपको क्लिक कर लेना, ये फिलहाल लाइट आपको कर लेना डार्क। आप डार्क मोड यूज कर सकते हैं इसी स्मार्टफोन में, ये डार्क मोड को ऑन करेंगे ना तो ये आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता है स्क्रीन का फोन के, और आपके बैटरी भी कम कंज्यूम होती है, ज्यादा कंज्यूम नहीं होगी बैटरी। बात करते हैं 24 फीचर की, वापस हम जाएंगे सेटिंग में और आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है। आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा और आई कंफर्ट है, इस पर आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं, अलवाइज ऑन करके यहाँ से इसको कलर भी आप वार्म कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। ये ना ये भी आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर आप रात में ज्यादा फोन यूज करते हैं तो, इस सेटिंग को ऑन कर लेना। बात करते हैं 25 फीचर की, वापस हम जाएंगे सेटिंग में और डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है और नीचे आना है। यहाँ पर ऑटो स्क्रीन ऑफ है, अब 15 सेकंड, 30 सेकंड और 1, 2, 5, 10, 30 मिनट भी आप कर सकते हैं, ये 15 सेकंड कर लेना। अब मान लो कि आप फोन को रखें लॉक बटन दबाना भूल गए तो 15 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक आपका डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा। बात करते हैं 26 फीचर की, जाएंगे सेटिंग में और डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है, आने के बाद और नीचे आना है। तो चलिए हम यहाँ पर आते हैं नीचे, यहाँ पर स्क्रीन कलर टेम्परेचर है, आप डिफॉल्ट वार्म और कूल रख सकते हैं। ये उतना अभी फिलहाल दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि ये भी फिलहाल डार्क मोड पर है स्मार्टफोन, अभी आप लाइट मोड पर रखते हैं तो ये दिक्कत आएगा, उसको वार्म भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। बात करते हैं 27 फीचर की, वापस हम जाएंगे सेटिंग में, डिस्प्ले सेटिंग में आएंगे, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में और नीचे आना है। और नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मोर पर आपको क्लिक कर लेना है, यहाँ पर स्क्रीन डिस्प्ले है इस पर आपको क्लिक कर लेना है, यहाँ पर फुल स्क्रीन डिस्प्ले बाय ऐप पर आपको क्लिक कर लेना है। फिलहाल अभी फुल स्क्रीन वाले एप्लीकेशन नहीं है तो हम आते हैं बैक, बैक आने वाले फ्रंट कैमरा डिस्प्ले बाय ऐप पर आपको क्लिक कर लेना है। कौन सा एप्लीकेशन ओपन करने के बाद ये जो फ्रंट कैमरा दिख रहा है ना वो नहीं दिखना चाहिए, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल कर लेता हूँ क्रोम को और यहाँ पर हाइड फ्रंट कैमरा शो ऐप इन फुल स्क्रीन है, यहाँ पर हमें इस तरह से कर लिया तो क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर ये जो फ्रंट कैमरा ना हाइड हो जाएगा, यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा डिस्प्ले, इस तरह से आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। 28 फीचर की बात करने के लिए वापस हम सेटिंग में जाएंगे, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आएंगे और नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी सेवर का ऑप्शन एक आपको मिल जाता है, यहाँ पर आने के बाद आप देखते हैं फोन बैटरी यूजर पर आपको क्लिक कर लेना है, कौन सा एप्लीकेशन कितने परसेंट बैटरी खाया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, एस्टेडिक आप देख सकते हैं, 2 दिन पहले का भी आप देख सकते हैं, स्मार्टफोन को आज ही अनबॉक्सिंग किया हूं तो यहां से ये भी 0 दिखाएगा, कुछ भी नहीं बताएगा रिजल्ट, तो यहां पर आज आप देख सकते हैं कितने परसेंट कौन सा एप्लीकेशन कितने कितने परसेंट बैटरी खा रहा है। तो चलिए और आते हैं बैक, बैक अगर बात करते हैं अभी 29 फीचर की, जाएंगे सेटिंग में और आपको आना नीचे, यहाँ पर आपको होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आइकॉन ऑटो फिल आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। जो आइकॉन्स होते हैं ना नोटिफिकेशन वाले वो ऑटो फिल हो जाएंगे, आप उसको देखकर पहचान सकते हैं एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आए बोलकर। बात करते हैं 30 फीचर की, वापस हम जाएंगे सेटिंग में और आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है, ये नहीं सॉरी आपको यहाँ पर दिखता होगा होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन सेटिंग में आना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद होम स्क्रीन लॉकेड है, ये क्या आपको बताया इसको आपने कर लिया तो ये जो कभी कभी क्या प्रॉब्लम होता है ये एप्लीकेशन है ना ये इधर चले जाता है ये इधर चले जाता है, तो हमने होम स्क्रीन लॉकेड कर लिया तो ये एप्लीकेशन उधर ही जाएंगे उधर ही रहेंगे, जहां पर वो एप्लीकेशन थे वहीं पर वो लॉक हो जाएंगे। आगे बढ़कर बात करते हैं 31 फीचर की, तो हम वैसे आपने देख लिया ओप्पो A53s स्मार्टफोन के टॉप 30+ टिप्स एंड ट्रिक्स, ये रहा सिर्फ और सिर्फ पार्ट वन वीडियो, अगर पार्ट टू आपको देखना है तो उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और जाकर देख लेना उस वीडियो को भी। उस वीडियो में भी मैंने बहुत ज़्यादा फीचर्स बताया है, कम से कम 30 से ज़्यादा फीचर्स बताया है इसी ओप्पो A53s स्मार्टफोन के, उस वीडियो में मैंने 30 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स हाइडन फीचर्स बताया है, पार्ट टू में आप जाकर देख लेना, पार्ट टू नीचे मिल रहा है पार्ट टू का वीडियो लिंक और यहाँ पर भी आपको एंड स्क्रीन में पार्ट टू दिख रहा है।